एक दिन की बारिश ने शहरवासियों को ऐसा कटु अनुभव दिया कि पानी ने जो घर की व्यवस्था बिगाड़ी वह दुरुस्त नहीं हो पाई है। शनिवार को ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने सिटी के विकास की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों चौराहों सहित लगभग 700 बस्तियों के हजारों घरों में पानी भर गया है। पोलों के ऊपर से झरनों की तरह पानी गिरता रहा। सीमेंट रोड वाले भागों में तो नागरिकों के घरों में सबसे अधिक पानी भरा है। 6 घंटों की बारिश ने प्रशासन की नाकामी और नेताओं के नियोजित विकास की पोल खोल कर रख दी। अनेक नागरिकों ने अपने मोबाइल से शहर की हालातों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कई तरह के स्लोगन व कैप्शन के साथ अपलोड किए हैं, जिससे शहर का नाम भी खराब हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने मनपा एनआईटी सहित नेताओं को जमकर आड़े हाथ लिया है। यही नहीं, शहर का सुप्रसिद्ध रामजी श्यामजी पोहे वाला, जहाँ के पोहे नागपुर वासियों के ही नहीं तो राज्य के मुख्यमंत्री के भी पसंदीदा है, वह दुकान भी भारी बारिश से पानी में डूब गई, जिसे लेकर विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए ट्विटर एक्स पर वीडियो शेयर किया है। विकास कामाची शब्को गिरी हे आता नागपुरकरांनी अनुभवलेली आहे। विकासाच्या नावावरती जी काही शब्कोगिरी करली जाते, दाखवली जाते, या मागच्या वेळेसच्या पावसाने अख्खा नागपुरातील करोडो लोकांचं रुपयाचं नुकसान झालं आणि अनेक लोकांची घरातील सामानाचं धान्याचं नुकसान झालं। त्याची मदत अजूनही मिळाली नाही। 257 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असली तरी नागपुरात विकासाच्या नावानं आता बोंबाच आहे असंच म्हणावं लागेल। या पावसामुळे जे झालेलं नुकसान आहे ते अत्यंत म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी विकासाच्या नावावर पोहे खाले होते राम आणि श्याम। तर हा विकास राम आणि श्यामचा, श्यामला विकासाने बुडवून टाकलं, राम आणि श्यामला जिथे मुख्यमंत्र्यांनी पोहे खाऊन विकासाची कल्पना, त्यावेळच्या मुख्यमंत्री तत्कालीन आत्ताचे माजी मुख्यमंत्री, तर अशी अवस्था नागपूरला होण्यामागे विकासाच्या नावानं जो काही सावळा गोंधळ सुरू आहे त्यातून ही परिस्थिती निर्माण झाली। आताही सरकारने ज्यांचं काही हे पावसामुळे ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्यांना त्वरित मदत करावी, मागील वर्षीची मदत करावी। शनिवार को इस सीजन के रिकॉर्ड बारिश के बाद रविवार को भी झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में परेशानी और बढ़ गई। निचली बस्तियों में बारिश का पानी जमा हो गया। लगातार 2 दिन की बारिश से नागपुर पानी पानी हो गया है। सड़कों व चौराहों पर बारिश का पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। यही नहीं, मूसलाधार बारिश में 3 लोग बह गए थे, जिसमें एक बालक शामिल है। 2 लोगों के शव मिले हैं और बालक लापता है। इसी के मद्देनजर सोमवार को भी भारी बारिश की आशंका के चलते विद्यार्थियों को दोबारा असुविधा ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी डॉक्टर इटनकर ने स्कूल और कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी की घोषणा की थी। इसी के साथ स्कूलों को भी सूचित कर दिया गया था। शनिवार को भारी बारिश के दौरान देर से छुट्टी की घोषणा से छात्रों और स्कूलों को काफी परेशानी हुई, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छुट्टी की घोषणा की। लेकिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि जब जब जिला प्रशासन की ओर से भारी बारिश की चेतावनी देकर स्कूल कॉलेजों को अवकाश घोषित किया जाता है, तब तब बारिश होती ही नहीं है। आज भी समाचार लिखे जाने तक बारिश नहीं हुई है, जबकि जिला प्रशासन ने कल रात ही सर्कुलर निकाल कर स्कूल कॉलेजों को छुट्टी घोषित कर दी थी। इस छुट्टी का बच्चों के साथ साथ शिक्षकों ने भी मजा उठाया और अधिकांश स्कूल कॉलेजों में सन्नाटा छाया रहा। NBC न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।